मित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों आपको बता दें कि स्टडी विद प्रदीप के द्वारा टीजीटी पीजीटी एलटी और जीआईसी को ध्यान में रख करके जीत बैच आप सभी लोगों के लिए जारी किया गया है। जीत बैच में हम आपको इंग्लिश मीडियम के तौर पे प्रैक्टिस पेपर करा रहे हैं और जबकि हिंदी में आपको हम क्या करा रहे हैं, आपको याद है, एग्जाम पॉइंट करा रहे हैं। यह दोनों श्रृंखला आपकी परीक्षा के प्रिपरेशन में बहुत मदद करने वाली है क्योंकि परीक्षा की तैयारी के दो माध्यम होते हैं। एक माध्यम होता है कि आप डिटेल में स्टडी करें और दूसरा माध्यम होता है ब्रीफ में आप उसे डिटेल की तरह ले चलें। तो ये आपको ब्रीफ में डिटेल की तरह ले चलने का एक माध्यम है जिस माध्यम से हम लोग परीक्षा की तैयारी पे फोकस कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में जब ये एग्जाम पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर यही पैटर्न उल्टा हो जाएगा, हिंदी में प्रैक्टिस पेपर होने लगेंगे और एग्जाम पॉइंट इंग्लिश में होने लगेंगे। अर्थात दोनों वीडियो आपके कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। आप जिस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल है, चाहे हिंदी के माध्यम से चाहे इंग्लिश के माध्यम से, दोनों आप देख सकते हैं। हम लोग 50 प्रश्न करते हैं डेली, यह श्रृंखला आपको होती है। एग्जाम पॉइंट आप चैनल के द्वारा 99 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं और बाकी चीजें आपको क्लास मटेरियल सब कुछ फ्री है। एग्जाम पॉइंट आप प्राप्त करने के लिए 99 रुपये आप दे करके एग्जाम पॉइंट ले सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न पे और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से पूछ रहा है कि बैक्टीरिया काज। देखिए बैक्टीरिया हमारे लिए दो प्रकार की होती है, एक होती है बेनिफिशियल बैक्टीरिया, मैं बात ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ उसमें डिस्टर्बेंस होता है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। एक बैक्टीरिया होती है आपकी ग्राम पॉजिटिव, माफ करिएगा, एक बैक्टीरिया होती है आपकी जो है हानिकारक और एक बैक्टीरिया और लाभदायक। कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जिससे मनुष्य पौधे जंतुओं को लाभ मिलता है जबकि कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जिससे हमें नुकसान ही होता है। जैसे कि लाभदायक बैक्टीरिया में बात करें तो जैसे आपके लाभदायक बैक्टीरिया में आ जाते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस से क्या होता है, कर्ड का फार्मेशन होता है। आप सबको ज्ञात है दही खाने से विटामिन B12 का फार्मेशन होता है हमारे स्टमक में। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे हानिकारक जैसे टाइफाइड की, टीबी की, टिटनस की, फूड पॉइजनिंग की, ठीक है, और वहीं पे जो है डिप्थीरिया की, ये सभी बैक्टीरिया हमें डिजीज काज करती हैं। बहुत से ऐसी बैक्टीरिया हैं जिससे प्लांट में डिजीज काज होती है, बहुत से ऐसी बैक्टीरिया जिससे एनिमल में। तो प्रश्न के ऑप्शन में रखा गया है कि फूड पॉइजनिंग, जी हाँ फूड पॉइजनिंग होता है। किससे होता है तो आप जानते हैं फूड पॉइजनिंग को हम बोटुलिज्म कहते हैं और फूड पॉइजनिंग पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने आपसे, क्लास्ट्रिडियम बोटुलिज्म नामक बैक्टीरिया से हुआ था, क्लास्ट्रिडियम बोटुलिनम नामक बैक्टीरिया से होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं बोटुलिज्म कहते हैं। किसको, फूड पॉइजनिंग को, रोगी को क्या कहते हैं, बोटुलिज्म कहते हैं। वहीं पे डिजीज इन द ह्यूमन, ह्यूमन में बहुत से रोग जैसे मैंने अभी आपको गिना दिया कि हैजा है यानी टाइफाइड कॉलरा है, ठीक है, टाइफाइड है, उसके बाद आपका टीबी है, टीबी के बाद आपका पीलिया है, निमोनिया है, ये सभी किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। अगर हम बात करें कॉलरा किससे होता है, विब्रियो कॉलेरी से, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से, और टीबी आपको पता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, आपका जो है निमोनिया तो डिप्लोकोकस न्यूमोनाई नामक बैक्टीरिया से होता है। वहीं पर अगर हम पौधों की बात करें तो सिट्रस कैंकर जो सिट्रस फैमिली होते हैं इस तरह के पौधों में होता है और ये होता है मुख्य रूप से किसमें, तो आप कहेंगे सिट्रस कैंकर होता है सिट्रस ग्रुप के पौधों में, और जैसे नींबू है इसमें जैंथोमोनास सिट्री के द्वारा फैलता है, ठीक है। वहीं पे रिंग रॉट ऑफ पोटैटो भी किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो पौधों में भी इसी के कारण रोग होता है, अतः सब जरूरी हैं तो आप कहेंगे आल ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। कुछ लोगों का कहना था कि आप डिस्क्रिप्शन कम करते हैं इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बढ़ा दिया। डिस्क्रिप्शन में बार बार लिखना पड़ता है तो उसमें होता है डिस्टर्बेंस, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि बस क्वेश्चन आंसर कराता चलो, लेकिन फिर भी आप बताइएगा ये पैटर्न आपको अच्छा लग रहा हो तो मैं इसी पैटर्न से करा देता हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं सोचता हूँ जल्दी क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो समय बच जाएगी और कोई बात नहीं, ठीक है। कह रहा विच आर द फॉलोइंग द विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप, कह रहा कौन ऐसा है, निम्न में से कौन ऐसा है जो कोई विशेष शेप नहीं धारण करता, यानी उसकी विशिष्ट आकृति नहीं होती, कोई विशिष्ट आकार नहीं है, आकृति नहीं, कौन ऐसा है, तो ये है आपका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आप जानते हैं माइकोप्लाज्मा जो होता है ये बहुरूपी है, यानी प्लियोमार्फिक जीव होते हैं, ये कभी कभी गोल होते हैं, कभी तंतुलाकार होंगे, कभी ताराकार हो जाते हैं, मतलब इनकी अनियमित संरचना निश्चित नहीं है, इसीलिए इनको यहाँ पे आंसर के तौर पे रखा गया है।
आप सब जानते हैं यहाँ पे ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बैक्टीरियोफेज के बारे में आप जानते हैं, बैक्टीरियोफेज में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह डीएनए होता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरिया को इंगल्फ करने वाला वायरस है और इसमें डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। क्लास ट्वेल्थ में आप अगर आनुवांशिक वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां पे पढ़े होंगे डीएनए जो है बैक्टीरियोफेज में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इसमें दो प्रजातियां वहां पे बताई गई, एक को कहते हैं बैक्टीरियोफेज लेमडा और एक को बैक्टीरियोफेज 5174। 5174 में 5386 जो है यानी 5386 क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर पाए जाते हैं, जबकि लेमडा में जब आप जाएंगे तो लेमडा में पूरे पेयर्स कितने होते हैं 48502 यानी 48502 जो है बेस पेयर पाए जाते हैं लेमडा के न्यूक्लियोटाइड में, जबकि ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, वायरस है बैक्टीरियोफेज। साइनोबैक्टीरिया आप सब जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोसिस्ट पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। क्लास इलेवंथ की बुक में दिया है, क्लास इलेवंथ की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे हेट्रोसिस्ट के बारे में बताया गया जो कि साइनोबैक्टीरिया में ही है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, मैं आपको बहुत आसान आसान बुक बताता हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत महंगी बहुत बड़ी बुक, नहीं नहीं कॉमन चीज। देखिए हम परीक्षा पास करना कोई बहुत जटिल काम नहीं है, बस उसे सिस्टमैटिक तरीके से आप करना सीख जाए। कई बार क्या होता है, हम बहुत बड़ी बड़ी बुकें पढ़ते हैं, बड़ी महंगी बड़े अच्छे अच्छे राइटरों की बुक पढ़ लेते हैं, फिर बाद में क्या होता है ना बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं और हमको लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। चूंकि हम अगर अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लें, क्लास ट्वेल्थ के लिए जो बुक आती है उसे पढ़ लीजिए, देखिए आपके 125 क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे ये मैं दावा कर सकता हूँ, लेकिन 100 से 105 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है ना। पहले आप कम से कम सेफ स्कोर को अपने कवर करिए, फिर मेरिट में टॉपर लिस्ट की तरफ बढ़ने के लिए आपको क्या करना है कि बेहतर बुक पढ़ना, तो पहले सेफ स्कोर को कवर करने के लिए आपको इन छोटी छोटी किताबों को पढ़ना पड़ेगा, बाद में आप स्पेशल किताबें पढ़ते रहिए। बाकी हम स्पेशल किताबों से आपको प्रैक्टिस पेपर करा रहे हैं, जो हमने आपको इनवर्टिब्रेट का पीडीएफ दिया था, जो हमारे साथ पेड बैच में जुड़े हमने कंप्लीट इनवर्टिब्रेट का एक पीडीएफ दे दिया है जिसमें टोटल 900 से ज़्यादा प्रश्न है। मैं भरोसा करता हूं कि इनवर्टिब्रेट से आने वाले 7 से 8 क्वेश्चन उससे बाहर अगर चले गए तो कोई काम नहीं। अब बताइए कि 12-13 क्वेश्चन के लिए मान लो मैक्सिमम 12-13 आएंगे इनवर्टिब्रेट से, 8 से 7 का एवरेज है, इतने क्वेश्चन के लिए हम 1000 प्रश्नों का आपका पीडीएफ तैयार किए हैं और वो 1000 प्रश्न जहां से हो सकता है टेढ़े बेढ़े सब कुछ हमने उसमें रख दिया है, कहीं से भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, इजी टू इजी। लेकिन जब पेपर हम उठाते हैं, चाहे अभी जेएसएससी का उठाए, बिहार का उठाए, कहीं से उठाए, तो जो हमने एग्जाम पॉइंट बनाए हैं उसी एग्जाम पॉइंटों में से आया है। बिहार के कुछ हमारे मित्र ने उस समय परचेज किया था, समय बहुत कम थी, वो सब पढ़े थे और कुछ लोग पढ़ पाए कुछ लोग नहीं पढ़ पाए, लेकिन जिन्होंने पढ़ा था तो वो सब बड़े संतुष्ट हुए और उन्होंने फोन करके भी कहा कि सर आपकी वजह से मेरे इतने नंबर हो गए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ये फोन कर कहते हैं कि ये हो गए। देखिए मेरी वजह से नहीं होता भाई, मैं ये झूठी क्रेडिट नहीं लूंगा, आपने मन से पढ़ा आपका हुआ, आप मन से किताब पढ़ी आपका होगा, हमने जो हमसे हो सकता था हमने कलेक्शन किया, उसे टाइप करवाया, आप तक पहुँचा रहे हैं, बस आपके एक फ्रेंड के तौर पर आपकी मदद कर रहे हैं, बस इतना हमारा योगदान है, बाकी सब आपका परिश्रम है, आपकी मेहनत है, आपके मेहनत का ही बल होगा कि आपका सिलेक्शन होगा और आप चमकेंगे। जब सिलेक्शन होगा तो मिठाई लेके जरूर आइएगा, हम इस बात की उम्मीद रखें कि आपसे बैठे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होता है जल्दी बताइए, बातचीत कम पढ़ाई ज़्यादा, बैक्टीरिया क्या होता है ये बताइए। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनेल, बाइसेलुलर ऑर्गेनेल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनेल, ऑल ऑफ दीज। अब आपको बताना है कि बैक्टीरिया क्या है। देखिए बैक्टीरिया मोस्टली क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया आप देखे होंगे जैसे कहा जाता है ना कि बैक्टीरिया ग्रुप बनाते हैं, तो उन्हें पहले जब बैक्टीरिया सिंगल होते हैं तो वो कोकस हैं, फिर क्या होता है डिप्लोकोकस हैं, फिर स्ट्रेप्टोकोकस जब उनकी सीट बन जाती है, आपने पढ़ा होगा ना, बेसलेस हैं, मोनोबेसलेस कहते हैं या बेसलेस कहते हैं, फिर उसके बाद डिप्लो बेसलेस कहते हैं, फिर जब सीट बना लेते हैं एक चद्दर बनाते हैं तो सीट वाली बैक्टीरिया हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोबेसलेस। कहने का अर्थ है कि ये अकेले तो यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन कभी कभी ग्रुप बनाते हैं, लेकिन उस ग्रुप के बारे में हमें नहीं बताना है, हमारा आंसर किस पे जाएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनेल पे जाएगा, तो सही है। जीवाणु जो है एक कोश की होते हैं, ये बात आप जानते हैं, इनकी खोज, अच्छा जीवाणुओं की खोज का जो कारण है ये देखिए एंटोन वॉन ल्यूबेनहाक ने किया था, और कब किया था, 1772 में इन्होंने, 1774 में इन्होंने खोजा था, किसने, एंटोन वॉन ल्यूबेनहाक ने। लेकिन कुछ किताबों में ऐसा दिया गया है कि इसकी खोज यानी बैक्टीरिया की खोज
तीन शताब्दी पर पूर्व हॉलैंड के एक वैज्ञानिक एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, जो कि कब किया था, 1774 ईस्वी में। सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कहाँ के है, हॉलैंड के निवासी हैं और इन्होंने कहा था कि यूनिसेलुलर होते हैं, इन्हें इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट को देखना है, नॉट कई बार बड़ा नुकसान पहुंचाता है, इस बार जो है सीटेट में बड़ा नुकसान पहुंचाया सबका, ना नहीं अच्छे असत्य वाले शब्द बहुत परेशान किए हैं, रिजल्ट कम आया है, बहुत से बच्चे बहुत परेशान भी हैं इस बात को लेकर के। अब बताइए आपको कि यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, कौन करेक्टली मैच नहीं है, जैसे कि हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना आप सब जानते हैं, अपने देश के साइंटिस्ट हैं, 1969 में इन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में बताया था, माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये तो आपके मोड ऑफ द सिंथेसिस ऑफ जीन, ये तो एकदम सही हो गए, हमको गलत वाला ढूंढ बताइए। फिर कह रहा वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल, किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया था, ये भी एकदम सही है। रॉबर्ट कोच, इन्होंने बैक्टीरिया के से होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन किया था, जैसे इन्होंने टाइफाइड का अध्ययन किया था, टीवी का अध्ययन किया था, कालरा का और एंथ्राक्स का अध्ययन किया था रॉबर्ट कोच ने। 1905 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था रॉबर्ट कोच को इस काम के लिए। और ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल आप सब जानते हैं, लॉ ऑफ हेरिडिटी, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम पे जाने जाते हैं। तो आपका चूंकि गलत वाला ढूंढना था तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, चूंकि गलत वाला ही हमारा सही होगा, तो बाकी सारे सही वाले तो सही ही हैं, बाकी गलत वाला आपका आंसर हो जाए, चूंकि हमसे गलत वाला ही पूछा गया है, बात सही। आगे बढ़ जाए, यही प्रश्न शुरुआत में आया था, यही प्रश्न फिर आ गया कि फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, फूड पॉइजनिंग किससे होता है। मैंने आपसे कहा था कि क्लास्ट्रिडियम बोटुलिज्म, कहीं कहीं क्लास्ट्रिडियम बोटुलिन लिखा मिलता है, क्लास्ट्रिडियम बोटुलिज्म लिखा हुआ है प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से, तो क्लास्ट्रिडियम बोटुलिज्म के द्वारा आपको फूड पॉइजनिंग होती है। दूसरा है साल्मोनेला टाइफोसा, साल्मोनेला टाइफोसा के द्वारा क्या हो जाता है आपको, साल्मोनेला टाइफी द्वारा टाइफाइड होता है। उसके बाद है क्लास्ट्रिडियम टिटेनी से टिटनस होता है, और नन ऑफ द अबव का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो आपका सही आंसर हो जाता है प्रश्न नंबर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद आपसे हम एक बात बताइए कि जो मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक। प्रश्न पूछ लें, जो मीट की विषाक्तता होती है, ये तो भोजन की है, ठीक, फूड पॉइजनिंग भोजन की, मीट जो विषाक्त होता है यानी खराब हो जाता है, मीट सड़ जाता है, तो वह किस बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, यानी मांस में उत्पन्न होने वाले विषाक्तता किसके कारण होते हैं, आप इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि जितने लोग देख रहे हैं वो इसका आंसर बताने में सक्षम है, चूंकि पिछले ही वीडियो में मैंने इसके बारे में आपसे खूब चर्चा की थी और ये भी कहा था कि आप किस तरह के जानवरों को खाइए, किसको छोड़िए, ठीक है। तो ये बातें छोटी सी हुई थी लेकिन वहां पर मैंने आपको बताया था। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द फूड बॉर्न टॉक्सिन, कह रहा कौन ऐसा है जो विषैला है लेकिन फूड के लिए, तो आपका हो जाएगा कौन सा, बोटुलिज्म जो है विषैला पदार्थ होता है जो फूड को विषैला बना देता है, तो ये तो ठीक ही है। आगे बढ़ जाइए, बोटुलिज्म क्या है, बोटुलिज्म ऐसा पैरासाइट है जो कि फूड को, यहाँ देखिए दिया गया है, फूड पॉइजनिंग कॉज बाय द सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया नेम एज द क्लास्ट्रिडियम, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बोटुलिज्म कहते हैं, यह रोग जब हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, बोटुलिज्म कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि द बैक्टीरियम डेट काज बोटुलिज्म इज, वह बैक्टीरिया जो बोटुलिज्म डिजीज को काज करता है उसका नाम बताना है, वह बैक्टीरिया जो बोटुलिज्म डिजीज को काज करता है उसका नाम बताना है, क्लास्ट्रिडियम है। ये प्रश्न चूंकि बहुत पूछे गए हैं इसीलिए अलग अलग ऑप्शन के तौर पे हमने यहाँ पे इसे ऐड किया है, अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उसी प्रकार से हमने ऐड करके आपसे बताने और पूछने की कोशिश की है ताकि आप इसका आंसर बेहतर तरीके से दे सकें। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ बैक्टीरिया वायरस इन द सिक्वेंस, कह रहा कौन ऐसा सिक्वेंस सही है जिससे प्रोटोजोवा से होने वाली बीमारी, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी और वायरस से होने वाली बीमारियों का सीक्वेंस है। तो देखिए यहाँ पे मलेरिया किससे होता, प्रोटोजोवा से होता, सही है, मम्स प्रोटोजोवा से नहीं होता तो गलत हो गया, तो बैक्टीरिया से नहीं होता तो गलत हो गया। तो यहाँ पे सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, स्लीपिंग सिकनेस,
ट्रिप्नोसोमा पैलिडम से होता है। स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? ट्रिप्नोसोमा पैलिडम से आपको स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरी डिजीज जो है आपका यहाँ पे डिप्थीरिया, डिप्थीरिया किससे हो जाता है? तो डिप्थीरिया कोरोनरी बैक्टीरियम से डिप्थीरी से होता है। कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से आपको क्या हो जाता है? डिप्थीरिया। और उसके बाद जो है कौन है? हेपेटाइटिस बी, ये भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग होता है। ठीक है, आगे आ जी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम ईल्ड, प्रोपियोनी बैक्टीरियम से क्या होता है आपको? तो विटामिन B12 का फॉर्मेशन होता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका विटामिन B12 आपका सही आंसर है यहाँ। साइट ऑफ रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में साइट ऑफ रिस्पायरेशन क्या होगा? तो मीसोसोम, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही इंटरकन्वर्जन से बना होता है, तो मीसोसोम के द्वारा ही क्या होता है यहाँ पे? रिस्पायरेशन होता है। तो सही आंसर मीसोसोम हो जाएगा। अगला, इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में द रिस्पायरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन, रिस्पायरेटरी एंजाइम कहाँ पे लोकेट होती हैं? तो रिस्पायरेटरी एंजाइम मीसोसोम पे लोकेट होती हैं। मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम आ पेडीफील्ड, पेडीफील्ड में बहुत कॉमन जो है जो बैक्टीरिया हैं वो कौन सी हैं? लेकिन धान के खेत में बताना है। कह रहा है कि वह कौन सी महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है? धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया है, लेकिन प्रश्न ये है धान के खेत में बताना है। तो धान के खेत में आलोसाइरा, आलोसाइरा जो यहाँ पे है, आलोसाइरा ये एक बैक्टीरिया है जो धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का या काम करता है, जो कि एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है। जबकि सिलेंड्रोस्पर्मम, सिलेंड्रोस्पर्मम यहाँ पे एक किसका है? शुगर केन का, गन्ने का। किसका है? शुगर केन का है, या गन्ना लिख दीजिए तो किसका है? गन्ने का है। ठीक, दूसरे नंबर पे आ जाएंगे कौन है? तो यहाँ पे अगर गन्ना और मक्का में सिलेंड्रोस्पर्मम जो है गन्ने और मक्के का जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नास्टाक सहजीवी है, एंथोसिरास की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। आसिलिटोरिया कुछ परिस्थितियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो ये आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्राउन गाल, क्राउन गाल एक बीमारी है और किसके द्वारा फैलती है आपको बताना है। पौधे में क्राउन गाल नामक रोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? क्राउन गाल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के द्वारा फैलता है। यहाँ पे स्पीसीज का नाम नहीं लिखा गया है, तो एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा फैलता है। ठीक है, प्रश्न में एग्रोबैक्टीरियम ही पूछा गया था। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न है, काजटिव एजेंट ऑफ लिप्रेसीज, लिप्रेसी को उत्पन्न करने वाले काजटिव एजेंट का नाम बताना। माइकोबैक्टीरियम लिप्री नामक बैक्टीरिया से क्या हो जाता है? माइकोबैक्टीरियम लिप्री नामक बैक्टीरिया से आपको क्या हो जाता है? वो हो जाता है लिप्रेसी। लिप्रेसी को हिंदी में कोढ़ कहते हैं। ठीक है, पीपी येल्लो इज एन, पीपी येल्लो क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक जीव होता है जिसे जीवाणु के समकक्ष माना जाता है। यह सबसे छोटी कोशिका के रूप में भी जाना जाता है, परंतु इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी सेलवाल एब्सेंट होती है। तो प्रोकैरियोटिक जीव है, लेकिन इसमें सेलवाल क्या होता है? सेलवाल नहीं पाया जाता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेलवाल, कौन ऐसा है जिसमें सेलवाल नहीं पाया जाता? अभी अभी ऊपर हमने आपसे बताया माइकोप्लाज्मा में सेलवाल नहीं पाया जाता। माइकोप्लाज्मा किससे बिलोंग करता है? माइकोप्लाज्मा मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है, किंगडम मोनेरा में, यानी प्रोकैरियोटिक होता है। पेप्टिडोग्लाइकान इज प्रेजेंट इन द सेलवाल ऑफ द बैक्टीरिया, पेप्टिडोग्लाइकान कहाँ पाया जाता है? सेलवाल ऑफ द बैक्टीरिया बनी होती है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला, इन बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं, कंजुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, कंजुगेशन को किसने ढूंढा था? तो आप कहेंगे लेडरबर्ग और टैटम ने जो है कंजुगेशन के बारे में बताया था। लेडरबर्ग और टैटम ने कंजुगेशन के बारे में बताया था। इन्होंने इस एस्चेरिचिया कोलाई में कंजुगेशन की खोज की थी। यह एक लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। इसमें जीवाणु अपने जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ को एक दूसरे में माध्यम से स्थानांतरित करते हैं, कंजुगेशन कहलाता है। ठीक है, कंजुगेशन के दौरान जब कंजुगेशन होता है, इस समय जीवाणु आनुवंशिक पदार्थ का दाता तथा दूसरा जीवाणु प्राप्तकर्ता यानी रिसिपिएंट के तौर पे कहलाता है। जो डोनर होता है, दाता जीवाणु के पास DNA अनुक्रम में फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है, इसीलिए उसे F फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है।
तो सही आंसर है लेडरबर्ग और टेटम के द्वारा ये खोजा गया था। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिप्लोकोकस न्यूमोनाई वाज डिस्कवर्ड बाय डिप्लोकोकस न्यूमोनाई के बारे में किसने ढूंढा था, तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो है एक्सपेरिमेंट किया था। सही आंसर आपका ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन द ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट्स डू अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन, डू नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन, कह रहा कौन से ऐसे एंजाइम है जो इसको अफेक्ट नहीं पहुंचाती है, तो आरएनएज और प्रोटीएजेज इसको इफेक्ट नहीं पहुंचाते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग वायरस, कौन सा ऐसा वायरस है, डज नॉट इज द जेनेटिक मटेरियल, कौन सा ऐसा वायरस है जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, टी टू फेज वायरस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन वेरुलेंट स्ट्रेन इज कॉल्ड एज, वेरुलेंट स्ट्रेन को क्या कहते हैं, वेरुलेंट स्ट्रेन को यस स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्बियाटिक बैक्टीरियम, कौन ऐसा है जो सिम्बियाटिक बैक्टीरिया है, राइजोबियम को सिम्बियाटिक बैक्टीरिया के तौर पर जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम, कौन से ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरिया के द्वारा काज किया जाता है, तो यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के द्वारा हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ जाए। अगला प्रश्न, प्लेग इज द काज ऑफ बाय द मोनरान, किस मोनेरा के द्वारा प्लेग होता है, पेस्टुला पेस्टिस बैक्टीरिया के द्वारा प्लेग डिजीज हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। प्लेग एक संक्रामक बीमारी के रूप में जाना जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज है, यह यार्सिनिया पेस्टिस या पार्चुला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है जो कि एक मोनेरा की फैमिली मोनेरा किंगडम का मेंबर होता है। एनओडी नॉट जीन इन्वॉल्व इन द सिम्बियाटिक एसोसिएशन, सिम्बियाटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन आर फाउंड इन, तो नॉट जीन किस में पाया जाता है, तो आप कहेंगे बी और ए और बी दोनों में, राइजोबियम में, लिग्युमिनस प्लांट में, दोनों में। एन एग्जाम्पल ऑफ द सेल डिवाइड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एंड मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज ए, तो उसे क्या कहते हैं, बैक्टीरियल सेल, क्या कहते हैं, बैक्टीरियल सेल कहा जाता है। जीन विच कन्फर्म्स एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंट इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन, क्या कहते हैं उसे, कह रहा है जीन जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के लिए काम करता है बैक्टीरिया का होता है उसे डी प्लाज्मिड कहते हैं। मीजोसोम आर फाउंड इन, मीजोसोम किस में पाया जाता है, तो किंगडम प्रो मोनेरा के मेंबर में मीजोसोम पाया जाता है। मीजोसोम क्या करता है, मीजोसोम आर नॉट, अच्छा नॉट, तो ये रिस्पायरेशन का काम, मीसोसोम किससे एसोसिएट नहीं होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम नहीं करता, बाकी सब काम करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन करना, डीएनए रिप्लिकेशन करना, रिस्पायरेशन करना, तीनों काम करता है लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है। इन फ्री लिविंग बैक्टीरिया, जो स्वतंत्र रूप से मिट्टी में पाई जाने वाली बैक्टीरिया हैं, फ्री लिविंग है, कैपेबल ऑफ द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्सेट करने के लिए कैपेबल हैं, तो एजेटोबैक्टर और क्लास्ट्रिडियम दोनों आपका सही आंसर होगा। दोनों बैक्टीरिया जो हैं ये फ्री नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य करती हैं जो कि मिट्टी में पाई जाती हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रूट नोडुल, जैसे ये प्रश्न आपके एग्जाम में जब पूछा गया तो उसमें एजेटोबैक्टर को सही आंसर माना गया, ठीक, लेकिन क्लास्ट्रिडियम भी जो है आपका नाइट्रोजन फिक्सीकरण का कार्य करता है। अगला प्रश्न, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रूट नोड्यूल्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय द राइजोबियम, कह रहा कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें रूट नोड्यूल जो है, रूट नोड्यूल और नाइट्रोजन फिक्सेशन के, राइजोबियम नहीं रखते नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, तो केजुराइना कैसुराइना, यस यू होगा, केजुराइना ग्लाइका। ब्लू ग्रीन एल्गी आर इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी इज ऑफ, कह रहा ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो नहीं पाया जाता प्लांट बॉडी में किसके, तो कह रहा ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं पाया जाएगा, तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, वो आपका पाइनस हो जाएगा। आगे जी, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन, कह रहा कौन ऐसा है जो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता है, वो है माइकोराइजा। पिली इन द बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन,
पिली बैक्टीरिया में किस प्रकार से मदद करता है? तो कंजुगेशन में मदद करता है पिली। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द डीनाइट्रिफिकेशन? कह रहा कौन से ऐसी बैक्टीरिया है जो डीनाइट्रिफिकेशन में मदद करता है, इसके बारे में आपको बताना है। वह कौन से ऐसी बैक्टीरिया है जो डीनाइट्रिफिकेशन में मदद करता है, उसके बारे में आपको बताना। जल्दी बताइए। तो वो आपका हो जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन में मदद करने वाली बैक्टीरिया, तो वो आपका हो जाएगा स्यूडोमोनास। इन प्लांट, प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेन का, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेन किसका कार्य करते हैं? कह रहा है कौन से ऐसी उस बैक्टीरिया के नाम बताइए जो यहाँ पर दिया गया, कौन सा एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन कार्ड बाई किसका काम करते हैं? रूट प्लोरिफिरेशन का काम करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो किसका काम करते हैं, रूट प्लोरिफिरेशन का काम करते हैं, रूट प्रोलिफिरेशन का कार्य करते हैं। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ द बैक्टीरिया एंड द डिजीज कार्ड बाई इट। माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरी, विब्रियो कॉलेरा ट्यूबरक्लोसिस, और उसके बाद माइकोबैक्टीरियम लेप्री हूपिंग कफ, ट्रिप्नोसोमा पेलिडम। तो आपका ये जो है सिफिलिस, आपका सही वाला बताना था, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? तो आप कहेंगे स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गन जो है वो यहाँ पे कौन है, आपका माइको प्लाज्मा। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेंड फ्रॉम, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस बाय, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोड्यूस होता है किससे? तो आपको बताना है स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोड्यूस होता है, आपको इस प्रश्न का आंसर देना है स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोड्यूस फ्रॉम, किससे प्रोड्यूस होता है। तो आपका सही आंसर जो बना है वो क्या है, टेरामाइसिन। आगे साइनोबैक्टीरिया आर, साइनोबैक्टीरिया है क्या है, वायरस इन्फेक्टेड ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं, साइनोफेसियन मेम्ब्रेन ऑफ द इन्फेक्टेड बैक्टीरिया नहीं, ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स व्हिच कैरेक्टराइज ब्लू ग्रीन एल्गी। तो पिगमेंट ये आपका सही हो जाएगा। और लास्ट में अगला प्रश्न आपका, प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन विच गिवन एल्गी। कह रहा है कौन सा ऐसा है जो लगभग एल्गी जैसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता, वो है आपका साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरियम विच हैव द कॉमा शेप, वह कौन से ऐसी बैक्टीरिया जिसमें कॉमा शेप पाया जाता है, तो उसे कहते हैं विब्रियो। और राड शेप बैक्टीरिया, राड शेप बैक्टीरिया कौन से होती हैं, छड़ आकार की, तो राड शेप बैक्टीरिया जो होती हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं बैसिलस। क्या कहते हैं, बैसिलस कहते हैं। और जो स्पेरिकल होते हैं उन्हें कोकस कहते हैं, स्पेरिकल होते हैं स्पायरलम कहते हैं, और जो सर्कुलर होते हैं कोकस कहते हैं, विब्रियो कॉमा शेप होता है। आगे पूछा गया, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द वेसल बॉडी कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल कोर इक्विप्ड विथ। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यल एंड पी रिंग्स आउटर साइड एंड यस सी एम रिंग ऑफ द इनर साइड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट अगला प्रश्न है आपका प्लांट पैथोजन, कितने प्रश्न है यहाँ पे, 44 तक है। तो इसमें इस नहीं तो आप यहीं पे इसको नहीं, एक मिनट देख लेते हैं कितना है। तो ये आपका 59 तक है, इस पीडीएफ को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 51 से जो है ये प्रश्न कट के अगले पीडीएफ में भी आपका चला जाएगा। क्योंकि देखिए ये पूरा सिस्टम है, आपके पूरे सिस्टम में जितने भी जीव हैं इनका हम 50 ही प्रश्न रख रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे में चला जाएगा, जैसे बैक्टीरिया के जितने प्रश्न थे सबको हमने ऐड कर लिया। अब इसके बाद फंजाई के प्रश्न शुरू होंगे, तो फंजाई चैप्टर वाइज करा रहे हैं ना, तो फंजाई के प्रश्न शुरू होंगे। अब फंजाई के प्रश्न शुरू होंगे तो 9 प्रश्न बच रहे थे इसमें डाल दी, लेकिन सिस्टम है 50 प्रश्न का, तो ये 5 प्रश्न 7 प्रश्न एक्स्ट्रा हो गए तो यहाँ करवा दे रहे हैं, किसी चैप्टर में कम होगा तो वहाँ कम हो जाएगा। ठीक है,
प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर, प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से होंगे, राट शिफ्ट हो सकते हैं, स्पायरलम हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लैजिला विब्रियो कॉलरी, कह रहा है कि नंबर ऑफ पोजीशन के हिसाब से विब्रियो कॉलरी क्या होता है, तो ये मोनोट्राइकस होता है, मैंने कल वाली वीडियो में भी आपके साथ चर्चा किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज द मिसिंग फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसा है जो बैक्टीरियल सेल में नहीं पाया जाता, डिफनी सेल वॉल पाई जाती है, आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा, नहीं वाला ही पूछा गया है। विच वन ऑफ वन इज फाउंड इन द एंडोस्पोर ऑफ बैक्टीरियम नॉट इन द वेजिटेटिव सेल, तो वह कौन है, तो वह हो जाएगा आपका डिप्निकोलिन एसिड, डिप्लोकोलिन एसिड। फेज विच सो लाइसोजेनिक साइकिल आर कॉल्ड टेम्परेट फेज, कह रहा है जिसमें लाइसोजेनिक साइकिल शो होती है उसे क्या कहते हैं, टेम्परेट फेज कहते हैं। द प्रोसेस वेयर्स बैक्टीरियल जीन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द डोनर टू द रिसिपिएंट एज पार्ट ऑफ द सेक्स फैक्टर इज, कह रहा वहाँ पर जो सेक्स फैक्टर काम करता है उसे यह फैक्टर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सेक्स डक्शन कहा जाता है, यहाँ पर टर्म सेक्स डक्शन दिया गया है। विच आर द फॉलोइंग बैक्टीरियम कॉमनली लिव इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन, कौन से ऐसे बैक्टीरिया जो इंसान के इंटेस्टाइन में पाया जाता है उसे कहते हैं सीरिचिया कोलाई। मेथेनोजेनिक बैक्टीरियम बिलोंग टू, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया किससे बिलोंग करते हैं, तो आर्ची बैक्टीरियम से बिलोंग करते हैं। और लास्ट प्रश्न है आपका एंटीबायोटिक्स क्योर डिजीज, एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक होने वाली डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे फाइटिंग ऑफ द डिजीज काजिंग बाई ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म है उनसे हमारी एंटीबॉडी लड़ करके हमें सुरक्षित रखने का कार्य करती है। तो प्यारे मित्रों 30 मिनट में 50 प्रश्न का यह स्कीम आप सबको कैसी लग रही जरूर बताइएगा। आज 9 प्रश्न एक्स्ट्रा थे इसलिए 2 मिनट आपके लगभग एक्स्ट्रा हो गए हैं, बीच में थोड़ी बहुत हम लोगों ने बात भी की थी, तो लगभग ये आधे घंटे का आपका पीडीएफ होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप जरूर इसे पढ़ें, अपने मित्रों को शेयर करें, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद।